दोस्तों, हर एक न्यू यूट्यूबर के मन में एक सवाल होता है कि यूट्यूब से हमें फर्स्ट पेमेंट कितने व्यूज पे और कब मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं तौकीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एप हाउस। एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूट्यूब से हमें अर्निंग होती कैसी है। तो दोस्तों, सबसे पहले YouTube के ऊपर हम चैनल बना के हम उस पर वीडियो अपलोड करना शुरू करते हैं तो हमें YouTube के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच आवर जो होता है वो हमें कंप्लीट करना पड़ता है। और ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद में हमारा चैनल जो है वो YouTube के पार्टनर प्रोग्राम के लिए दोस्तों एलिजिबल होता है। और वहां से अगर वो एलिजिबल हो गया, अप्रूव से मिल गया YouTube की ओर से, तो फिर दोस्तों हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाता है, हम अपने वीडियोस के ऊपर एड्स रन करते हैं। तो दोस्तों, एड्स रन करने के बाद में जो भी रिवेन्यू जनरेट होता है उसका 55% हमें मिलता है और 45% YouTube रखता है। तो ये हो गया दोस्तों मोटा मोटे तरीके से मैंने आपको YouTube का जो मेन जो अर्निंग है YouTube की ओर से जो क्रिएटर से उसके मेन अर्निंग कुछ इस तरह से होती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है दोस्तों कि जब तक हमारे गूगल एडसेंस के अकाउंट के अंदर $100 कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक हमें यहाँ पर हमारे YouTube की फर्स्ट पेमेंट या जो भी आगने वाली पेमेंट है वो मिलती नहीं है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना होगा दोस्तों कि 1000 जो सब्सक्राइबर है वो तो हम कैसे भी करके कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे दोस्तों को हमारे रिलेटिव्स को बोलते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन यहाँ पे बात आती है दोस्तों, एक 4000 घंटे का जो पब्लिक वॉच आवर है उसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर सपोज दैट कि अगर आपने 4 मिनट का कोई वीडियो बनाया और 4 मिनट के वीडियो को व्यूअर्स ने 1 मिनट तक भी अगर देखा और इस तरह से आपके वीडियो के ऊपर 240,000 व्यूज आ गए तो दोस्तों आपके जो मिनट्स हो गए वो हो चुके हैं 240,000 मिनट। और इससे अगर आप इसको 60 से डिवाइड करोगे, 60 से डिवाइड करोगे तो ये दोस्तों हो जाएंगे 4000 घंटे। इस तरह से आपका पब्लिक वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। या फिर दोस्तों, आपने 4 मिनट का वीडियो बनाया है और 4 मिनट के इस वीडियो को व्यूअर्स ने 2 मिनट तक देखा है और इस तरह से दोस्तों अगर आपके वीडियो के ऊपर 120,000 व्यूज आ जाते हैं तो ये दोस्तों 120,000 व्यूज 2 मिनट तक के देखा है तो हो जाएंगे 240,000 और उसको जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो हो जाएंगे 4000 घंटे। तो इस तरह से आप पब्लिक वॉच आवर्स कंप्लीट कर लोगे, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करोगे, ये क्राइटेरिया पूरा करोगे तो यहाँ पे आपको अभी रिवेन्यू यहाँ पे आपको पैसा मिलना नहीं है क्योंकि जस्ट ये तो आपने क्राइटेरिया कंप्लीट किया। अब यहाँ से आप जो भी दोस्तों अर्निंग करोगे अकॉर्डिंग टू व्यूज तो फिर आपके दोस्तों एडसेंस में $100 कंप्लीट होंगे और $100 कंप्लीट होने के बाद में आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आएंगी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि $100 किस तरह से और कितने व्यूज पे कंप्लीट होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका चैनल कौन सी कैटेगरी का है, आपका जो चैनल है वो गेमिंग कैटेगरी का है या फिर आपका व्लॉग चैनल है या फिर आपका टेक कैटेगरी का चैनल है या फिर आपका कुकिंग का है, क्योंकि सब पे दोस्तों अलग अलग तरीके से हमें जो RPM है CPM है वो मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर आपका जो YouTube चैनल टैग कैटेगरी का है तो यहाँ पे आपके 2000 व्यूज के ऊपर या फिर 1500 व्यूज के ऊपर भी $1 बन जाएगा। अगर आपका गेमिंग का चैनल है तो कम से कम 4000 व्यूज के ऊपर आपका $1 बनेगा। आपका ब्लॉग चैनल है या इसी तरह से कोई अदर एंटरटेनमेंट वाला चैनल है तो आपका 4 से 5 हजार व्यूज पे या 6 हजार व्यूज पे भी $1 बन सकता है। लेकिन टैग कैटेगरी का अगर आपका है तो आपका 1500 से लेकर 2000 व्यूज के ऊपर $1 बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके वीडियो के ऊपर दोस्तों टैग कैटेगरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके वीडियो के ऊपर 200,000 व्यूज भी आ गए तो आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे। $100 कंप्लीट होने के बाद में जो नेक्स्ट मंथ जो आता है उस नेक्स्ट मंथ की 21 तारीख के बाद में आपका जो पेमेंट है वो एडसेंस की ओर से आपके बैंक अकाउंट में रिलीज किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका चैनल कौन से कैटेगरी का है, आपके चैनल के ऊपर किस तरह से व्यूज आ रहे हैं और आपके चैनल के ऊपर कितनी लेंथ की वीडियोज आपने अपलोड करके रखे, शॉर्ट वीडियोज है या फिर लॉन्ग है, ये भी चीजें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने जान लिया कि किस तरह से आपके जो फर्स्ट पेमेंट है वो कितने व्यूज के ऊपर और कब आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले।